हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आइए पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में चैप्टर टेन बीरबल एंड द वॉशरमैन ऑफ योर बुक कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज तो पेज नंबर 140 फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप एक्सरसाइज कंप्लीट वर्ड पज़ल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन एक वर्ड पजल है जिसको क्लूज की हेल्प से पूरा करना है तो फर्स्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स इन हुटियर सी ओ यू आर टी आई आर नंबर टू अनदर वर्ड फॉर किंग और वो क्या है एम्पर ई एम पी आर ओ आर एम्पर नेक्स्ट A term used while addressing the king, and the answer is Majesty. Number three, M A J E S T Y. Number four, worn on the head by a king or queen. Or answer, hai crown, C R O W N. Number five, a seat only for a king or queen. Or answer, hai throne, T H R O. और प्ले में कुछ किरदार होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं तो इस प्ले में जो कैरेक्टर्स है वो है अकबर कोटियर मैसेजर यानी संदेशवाहा कोटियर दरबारी सेकेंड मैन कोई दूसरा आदमी है देन बीरबल टाउन क्रायर टाउन क्रायर यानी जो जोर जोर से चिल्ला के घोषणा करते हैं नेक्स्ट इज द वॉशरमैन दीनू, दीनू धोबी है कंचना दैन वाइफ धोबी की पत्नी का नाम है कंचना दीनू एंड कंचना चिल्ड्रन दीनू और कंचना के बच्चे हैं इसमें और मैन आइए प्ले को शुरू करते हैं तो बच्चों जब भी कोई नाटक होता है तो उसमें अलग अलग दृश्य होते हैं सीन होते हैं तो ये है इस प्ले का का फर्स्ट सीन सीन और सीन क्या है का टाइम है मॉर्निंग टाइम इट्स विंटर सर्दियों की सुबह है अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी द बालकनी ऑफर्स अ गुड व्यू ऑफ द रिवर अकबर और बीरबल अपने पैलेस यानी महल की बालकनी में पेसिंग यानी एक तरफ से चल के दूसरी तरफ और वहां से चलकर वापस वॉक कर रहे हैं इसको कहते हैं पेसिंग तो अपने महल की बालकनी में वॉक कर रहे हैं और बालकनी से नदी का अच्छा दृश्य दिख रहा है तो ये है सीन अब देखते हैं अकबर और बीरबल के बीच में क्या बातें होती है अकबर बीरबल से कहते हैं बीरबल आई हैव हर्ड दैट द वॉटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड इज दैट ट्रू बीरबल मैंने सुना है कि इस नदी का पानी बहुत ही ठंडा है क्या ये सही है अब विंटर का मौसम है तो नदी का पानी तो ठंडा होगा ही बीरबल यस यस योर योर आई हैव आल्सो द सेम मैंने भी ऐसा ही सुना है अकबर व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ अ मैन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट विल ही डाई तुमको क्या लगता है कि अगर कोई आदमी रात भर इस पानी में खड़ा रहे तो क्या होगा क्या वो मर जाएगा बीरबल सटेनली योर मैजेस्टी जरूर नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर कोई भी साधारण मनुष्य इतने लंबे समय तक ठंडे पानी में खड़े रहकर जीवित नहीं बच पाएगा अकबर थिंग्स फॉर अ वाइल एंड सेज आई हैव एन आइडिया अकबर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है और कुछ बीरबल के कान में विस्फर करते हैं फुसफुसाते हैं जिसे सुनकर बीरबल हैरान हो जाते हैं नेक्स्ट है दूसरा दृश्य इस नाटक का जो दोपहर का समय है टाउन मार्केट प्लेस और शहर की बाजार है ये अ टाउन क्रायर बीट्स हिज ड्रम लाउडली एंड पीपल कम लिविंग हिम जो घोषणा कर रहा है टाउन क्रायर वो शहर की बाजार में है और वो जोर जोर से अपने ड्रम को बजाता है जिसे सुन करके लोग अपने काम को छोड़कर उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं टाउन क्रायर

ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे एम्पली बहुत सारा बहुत सारा इनाम मिलेगा सुनो सुनो। announcement. बिजी एरिया जगह पर खड़े होके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके वो ये राजा का संदेश चिल्ला चिल्ला कर बताता है और फिर दूसरे बिजी एरिया में क्राउडेड एरिया में चला जाता है पीपल स्टैंड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस अब अनाउंसमेंट सुनने के बाद लोग ग्रुप में खड़े हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं इस अनाउंसमेंट को सुन के नो रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज और कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है पुअर वॉशरमैन ऑल्सो लिसन टू दिस इन वाइफ एक गरीब धोबी वो भी इस अनाउंसमेंट को सुनता है और सुनने के बाद अपनी पत्नी के कानों में धीरे से कुछ कहता है दीनू क्या कहता है कंचना दिस इज अ गुड ऑपर्चुनिटी ये एक अच्छा मौका है आई शुड ट्राई माय लक मुझे अपना भाग्य आजमाना चाहिए इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड एंड विल बी एबल टू लिव वेल क्या कहता है कि अगर मैं रात भर नदी के पानी में खड़े रहने में सफल रहा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और फिर हम बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे कंचना उसकी वाइफ कहती है नो नो डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच अ रिस्क नहीं नहीं ऐसा रिस्क लेने के बारे में तो सोचना भी मत ऐसा खतरा लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचना डीनो यू नीड नॉट वरी नथिंग विल हैपन टू मी तुम चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा आफ्टर ऑल आई एम यूज टू वॉशिंग क्लोथ इन कोल्ड वॉटर एवरी डे क्योंकि मुझे तो रोज ठंडे पानी में कपड़े धोने की आदत है इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा अब नेक्स्ट है तीसरा दृश्य तीसरा सीन रात का समय है द वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर धोबी जाता है और नदी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ कुछ लोग आते हैं और उसे बताते हैं याद दिलाते हैं कि अपने जीवन को खतरे में मत डालो फर्स्ट मैन क्या कहता है वो आई फील गरीब आदमी के लिए बुरा लग रहा है Why does he want to kill himself? ये अपने आप को क्यों मारना चाहता है और दूसरा आदमी क्या कहता है ही पागल है डूइंग सच अ फुल थिंग फॉर मनी वेल लेट इस प्रे फॉर ये पैसों के लिए ये कर रहा है चलो इसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं अब अगली सुबह रात भर वो वॉशरमैन पानी में खड़ा है नेक्स्ट मॉर्निंग दीनू इज शिवरिंग बैडली दीनू वॉशरमैन बुरी तरह से कांप रहा है ही स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट वो पूरी रात उस नदी में खड़ा रहा ही हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क और उसने उस टास्क को सक्सेसफुली यानी सफलता से पूरा किया पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन पर वेचुलेट करते हैं बधाई देते हैं उसकी उपलब्धि पर लोग उसे बधाई देते हैं कंचना खुशी से कंचना कौन है दीनू की वाइफ खुशी से कहती है ओ सो यू हैव डन इट ओ तो तुमने कर दिखाया थैंक गॉड यू आर ऑल राइट ईश्वर का धन्यवाद कि तुम बिल्कुल ठीक हो आई वाज सो वरिड मैं बहुत चिंतित थी आई केप्ट ऑन प्रेयरिंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट मैं पूरी रात आपकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रही एट लास्ट गॉड हैज हर्ड आवर प्रेयर्स एंड यू आर द लकिएस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवॉर्ड और आखिरकार ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और आप वो बड़ा सा इनाम पाने वाले भाग्यशाली होंगे really मुझे आप पर गर्व है। है अकबर अकबर का का। दरबार ये सम्राट अकबर का। The Emperor is sitting on his throne. और सम्राट अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं। बीरबल इज बिसाइड हिम बीरबल उनके बगल में खड़े हैं द कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग बाय और वहाँ पर और भी खड़े हैं। और एंटर राजा के सामने वो सिर झुकाते हैं Salutations, Your Majesty. Your Majesty, उन्हें सम्राट को सलाम करते हैं अकबर कम यू आर इन डीड अ ब्रेव यंग मैन आ जाओ तुम अवश्य ही बहादुर यंग आदमी हो यू डिजर्व द रिवॉर्ड और तुम इस इनाम के हकदार हो सिल्वर ट्रे लेडन विद गोल्ड क्वेंस और तभी एक मेड एक नौकर एक चांदी की ट्रे लेकर आता है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवॉर्ड टू a courtier interrupts. जैसे ही अकबर दिनों को वो इनाम देने वाले होते हैं एक दरबारी बीच में टोक देता है दरबारी कोटियर क्या कहता है योर मैजेस्टी जस्टिस आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड ये आदमी इस इनाम का हकदार नहीं है एज ही दिद नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प क्योंकि ये इस ठंडी पानी में बिना किसी सहायता के नहीं खड़ा रहा ऑल द एक्सप्लेनेशन अब ये सुन के सारे दरबारी हैरान हो जाते हैं और उससे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि जो आप बता रहे हैं इसको विस्तार से बताइए दरबारी क्या कहता है योर मै एक्चुअली द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस केप्ट द वॉशरमैन वॉर्म ऑल थ्रू द नाइट असल में आपके महल से जो रोशनी आ रही थी उसने दीनू को सारी रात गर्मी प्रदान की उसे गर्म रखा अकबर थॉटफुली सोचते हुए, यू हैव अ पॉइंट। तुम्हारे पास एक उत्तर है तुम सही हो वेल इन दैट केस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ रिवॉर्ड। इस तरह तो इनाम का प्रश्न ही नहीं उठता

फिर से ये जो दृश्य है ये सम्राट अकबर के दरबार का है सभी मंत्री बैठे हुए हैं लेकिन बीरबल की सीट खाली है अकबर वाई हैज बीरबल नॉट कम इज यूजली पंक्चुअल वो हमेशा समय पर आते हैं फिर वो आज अभी तक क्यों नहीं आए अब मैसेजर अराइव एक संदेशवाहक तभी वहां आता है उस समय फोन नहीं थे तो लोग अगर कोई मैसेज किसी को कन्वे करना हो तो वो एक आदमी को भेजते थे संदेश वाहक को भेजते थे जो उनका मैसेज लेकर जिसको उन्हें पहुंचाना है वहां तक जाकर खुद बताता था और अगर वो आदमी बहुत दूर रहता है तो कई बार हफ्तों और महीनों लग जाते थे एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाने में तो एक मैसेंजर आता है वहां मैसेजर संदेशवाहक

छठा दृश्य सिक्स्थ सीन बीरबलस हाउस बीरबल का घर है बीरबल इज सिटिंग नियर अ फायर ऑन द ग्राउंड बीरबल आग के पास जमीन पर नीचे बैठे हैं फार अबव इट बैलेंस्ड ऑन अ टॉल ट्राइपॉड इज अ कुकिंग पॉट और एक ट्राइपॉड के ऊपर बैलेंस करके बीच में एक पॉट एक मटका रखा हुआ है और नीचे क्या जल रही है आग जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं और वहीं बगल में बीरबल जमीन पर बैठे हैं अकबर बीरबल अकबर क्या कहते हैं ये दृश्य देखकर, बीरबल ये क्या बेवकूफी है तुमने आग से इस मटके को इतनी ऊपर रखा है तो तुम्हारा खाना कैसे पकेगा बीरबल ट्विंकल इन आई बल्कि आंखों में चमक आ जाती है और वो कहते हैं इफ द लाइट्स ऑफ योर पैलेस कैन वार्म द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर देन द फायर कैन श्योरली कुक द फूड फ्रॉम दिस हाइट अगर आपके महल से चलती हुई लाइट नदी के पानी को गर्म कर सकती है तो फिर इस आग से इतनी ऊंचे पे रखा हुआ मेरा खाना भी पक सकता है अकबर दैट ही हैज टेकन अ रॉन्ग डिसीजन अकबर को समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है ही कॉल्स फॉर द वॉशरमैन और वो धोबी को बुलवाते हैं नेक्स्ट है सीन फाइव जो अकबर के कोर्ट का सीन है अगले दिन अकबर के दरबार में दीनू कम्स विद हिज फैमिली टू द दरबार दीनू अपने परिवार के साथ दरबार में आता है अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइंस टू बीरबल हु गिव्स इट टू दीनू अकबर उस ट्रे को जो कॉइन से सिक्कों से भरी हुई है बीरबल को देते हैं और बीरबल वो दीनू को दे देते हैं दीनू एंड हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी दीनू और उसका परिवार अब बहुत खुश है पीपल चीयर एंड क्लैप लोग खुशी से तालियां बजाते हैं पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू दीनू और लोग जो Deenu के साथ बीरबल ने न्याय किया है उसकी सराहना करते हैं सो स्टूडेंट्स दिस वॉज द प्ले आई होप यू हैव अंडरस्टूड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज प्रेस ऑन लाइक राइट योर नेम एंड क्लास सेक्शन इन द कमेंट सेक्शन एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन लाइक बटन See you soon with the question answers of this chapter till then bye bye have a good day